नूमेरिकल एक्सरसाइज फॉर सॉल्विंग आई एस एल एम मॉडल स्टूडेंट्स आज हम एक नूमेरिकल एक्सरसाइज की मदद से आई एस एल एम मॉडल को डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द डिज़ायर्ड कन्जम्पन फंक्शन सी डी इज द डिज़ायर्ड कन्जम्पन थ्री प्लस 0.75 पॉइंट माइनस टी। वाई माइनस टी इज़ आप जानते हैं टी इज द टैक्स एंड वाई मॉनिट्स इज द डिस्पोजेबल इनकम एंड आर इज़ द रियल इंटरेस्ट रेट सो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो डिज़ायर्ड कंजम्पशन है इट डिपेंड्स ऑन नंबर वन डिस्पोजेबल इनकम एंड सेकेंडली ऑन द रियल इंटरेस्ट रेट सो इनकम के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है एंड इंटरेस्ट रेट के साथ इसका नेगेटिव रिलेशनशिप है और uh, 0.75 आप जानते हैं एम है कि डिस्पोजेबल इनकम में से अगर वो वन रुपी उसमें चेंज आती है तो कंजम्पशन जो डिजायर्ड कंजम्प्शन है इट विल इट विल इंक्रीज बाय 0.75 सेवन रुपीज ओके सो सेकंड जो इंफॉर्मेशन की बन है दिस इज द टैक्स फंक्शन टी टोटल टैक्स जो गवर्नमेंट ले रही है हंड्रेड जो आपके लमसम टैक्सेस हैं और ज़ीरो पॉइंट टू जो है टैक्स रेट है जिसका ताल्लुक इनकम के साथ है कि इनकम अगर एक रुपया बढ़ती है तो टैक्स ट्वेंटी पैसा यानी इसका ट्वेंटी परसेंट टैक्स दिया जाता okay. है ओके दिस इज़ थर्ड वन दे जो फंक्शन है ये आपकी डिज़ायरेबल डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट है और इसका इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि रियल इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो डिज़ायर्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाती है थर्ड फोर्थ वन ये जो है ये आपका डिमांड फंक्शन है मनी डिमांड फंक्शन लिक्विडिटी फंक्शन है ठीक है ये भी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है लिक्विडिटी डिमांड आपकी जो है ये इनकम पर डिपेंड करती है पॉजिटिवली इनकम के बढ़ने से आपने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं सो पर्सन विल नीड मोर मनी और इंटरेस्ट रेट आई इज़ द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इसके साथ इसका नेगेटिव ताल्लुक है इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो लोग फिर शिफ्ट कर जाते हैं मनी से वो प्रेफर करते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ मनी अपने वेल्थ रखने के बजाय वो नॉन मानटी एसेट्स की फॉर्म में रखें ताकि वहाँ से वो इंटरेस्ट रेट अर्न करें और ये कुछ और इंफॉमेशन है बाई बार इज़ द फॉल इम्प्लायमेंट लेवल ऑफ आउटपुट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड गवर्नमेंट स्पेंडिंग को भी हमने अज्यूम किया है कि ये फिक्स है एट दिस सिक्स हंड्रेड लेवल एम इज़ द मनी सप्लाई नॉमिनल मनी सप्लाई जो सेंट्रल बैंक फिक्स करता है इसकी ये वैल्यू है दिस इज़ द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट फाइव परसेंट एंड ये जो लास्ट है ये आपका शॉर्ट टर्न प्राइस है हम बात कर चुके हैं बार बार कि शॉर्ट टर्न में प्राइस फिक्स होती हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्न की प्राइस है वन ट्वेंटी सो ये इन्फॉर्मेशन की बन है इस इंफॉर्मेशन की मदद मतलब से हमने शॉर्ट टर्न और लॉन्ग रन एक्बियम वैल्यूज़ फाइंड करनी है कि शॉर्ट टर्न में वाई की वैल्यू क्या होगी प्राइस लेवल तो ये जो है शॉर्ट टर्न का लॉन्ग रन में हम देखेंगे कि प्राइस लेवल क्या होगा इसी तरह से रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा कंजम्पशन क्या होगी इन्वेस्टमेंट क्या होगी और नॉमिनल इंटरेस्ट ये वैल्यूज हम शॉर्ट रन लॉन्ग रन में फाइंड करेंगे सो so, सबसे पहले हम आई एस कर भी बनाते हैं आईएस करो आप जानते हैं ये क्या बताती है गुड्स मार्केट के एक को जहाँ पर आपकी गुड्स मार्केट की डिमांड और सप्लाई बराबर होती है तो वाई इज़ द सप्लाई इन द गुड्स मार्केट और राइट हैंड साइड पर ये आपके पास टोटल डिमांड है गुड्स मार्केट की डिमांड के तीन कंपोनेंट हैं डिजायर्ड कंजम्पशन डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग सो so, ये वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं जो लास्ट स्लाइड में आपने देखी थी ठीक है ये उसकी कंजम्पशन का फंक्शन था ये हमने y माइनस टी था बेसिकली तो हमने t की जो इंफॉर्मेशन थी वो उसमें पुट कर दिया और ये आपके पास कंजम्पशन थी डिजाइड कंजम्पशन थी cd डी एंड दिस इज़ आई डी एंड दिस इज़ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो हमने एज्यूम किया है कि ये फिक्स है सिक्स हंड्रेड लेवल पर सो so, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव को वाई से मल्टीप्लाई किया ये आ क्या ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव को हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया सेवेंटी फ़ाइव आ गया पॉइंट टू से मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया और इस तरह ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यूज़ और इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे y की वैल्यूज़ y ये वन है ये पॉइंट सेवन फाइव है ओके okay? ये पॉइंट वन फाइव इन y की वैल्यूज़ को हमने राइट right साइड पर कलेक्ट कर लिया तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट फोर वाई आ गया और बाकी जो कॉन्सटेंट चीज़ें थी थ्री हंड्रेड था सेवेंटी फाइव थी टू हंड्रेड थी ठीक है तो इनको जमा कर लिए और आर वाली जो दो टर्म्स हैं माइनस थ्री हंड्रेड और ये माइनस टू हंड्रेड माइनस कामन लेने से ये हमने इसको प्लस के साथ लिख दिया तो ये फर्दर इसको मुखसर करेंगे तो ये आपके पास अब हमने क्या किया इसमें एक दो चीज़ें कि एक तो ये वैल्यूज सॉल्व करके इनका टोटल ले लिया ठीक है ये थ्री हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड हो गया एंड सो ऑन ये चीज़ें लिखनी हैं दूसरा हमने ये किया कि हमने आर को राइट हैंड साइड पर ले आए क्यों ले आए आप जानते हैं कि हम आर और वाई के स्पेस में जब काम करते हैं तो आई एस जो हम ड्रा करते हैं तो उसमें हम आर वर्टिकल एक्सेस पर लेते हैं और वाई तो इस उस फॉर्म में लाने के लिए हमारे हमने आर को साइड पर ले लिया और इसको फर्दर हमने पूरी इक्वेशन को 500 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आर टू ये आंसर आ जाएगा 2.05 पॉइंट जीरो फाइव माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट फाइव ये आपके पास हमारे पास आई एस कर्व की इक्वेशन आ गई आई एस कर्व की इक्वेशन आप जानते हैं आर और वाई के दरम्यान नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो यहाँ भी हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है जो बता रहा है कि आर और वाई का नेगेटिव रिलेशन है ओके सो अब एल एम कर्व एल एम कर्व क्या है एक ऑफ द मनी मार्केट एसेट्स मार्केट ओके सो ये आपका डिमांड फंक्शन है दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं हमने देखा कि इनकम पर और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर और नेक्स्ट स्टेप में हमने नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की वैल्यू जो डेफिनेशन जो है वो पुट कर दिया है किसके इक्वल होता है रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट और उससे नेक्स्ट स्टेप में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट की वैल्यू जो गिवन थी हमें वो पुट कर दिए तो बेसिकली अब आपके पास क्या रह गया इसमें आर और वाई रह गया ओके सो दिस इज द मनी सप्लाई रियल मनी सप्लाई ओके okay? ये वैल्यू हमें नॉमिनल मनी सप्लाई की दी थी और इसको प्राइस लेवल से डिवाइड कर दिए रियल मनी सप्लाई तो एक के लिए ये इस साइड पर आपके पास मनी मार्केट में टोटल मनी सप्लाई है रियल मनी सप्लाई है एंड दिस इज द डिमांड रियल मनी डिमांड ये वाली हम इक्वेट करके इसको सॉल्व करेंगे तो उससे हमारे पास एल एम करवा देगा तो सॉल्व हमने किया राइट right? तो उसी तरह से आर को हम लेफ्ट साइड पर ले आए और इसको ये अब कुछ सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई इस इक्वेशन में क्या है इस साइड पर आपके पास आर है और इस साइड पर आपके पास वाई है लेकिन इसके साथ पी है कि पी को अभी हमने यानी फिक्स नहीं किया सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलमकर फॉर एन अनस्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ पी नेक्स्ट स्टेप में हम शॉर्टर्न की पी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो वो फिर शॉर्टर्न का वो, वो उस गिवन यानी एल uh, एम जो है वो आप ड्रा करते हैं एट प्राइस एट हमारे पास आ जाएगा और इसको पी को अनस्पेसिफाइड uh, रखने का क्या मकसद भी क्या है कि हम इसके मदद से फिर लॉन्ग रन का प्राइस लेवल इसे फाइंड करेंगे सो शॉर्ट रन आपके पास ये आ गया अनस्पेसिफाइड इसमें पी की वैल्यू हमने 120 ट्वेंटी कर दी ठीक है इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दिस विल बी द फाइनली योर एल एम करव इक्वेशन जिसमें आपने एक पी को हमने अब अनस्पेसिफाइड नहीं रखा हमने एक स्पेसिफिक पी पर ये इक्वेशन uh, बना ली राइट तो अगेन आप देख रहे हैं कि एल एम करव जब आप ड्रा करते हैं तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड वाई सो ये पॉजिटिव कॉफिशन जो है वाई का ये उस पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं सो so, ये आपके पास शॉर्ट टर्न में एल एम की इक्वेशन आपके पास आ गई नेक्स्ट मॉड्यूल में हम इस पर फर्दर काम करेंगे थैंक यू वेरी मच